मिला। ओ भाई साहब ये क्या देख रहा हूँ मैं। अरे यार तो ये रही भाई साहब नहर जो अंदर जाती। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से आप सबका स्वागत हो मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सनम शेख व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा एक व्लॉग है जो मैंने काफ़ी टाइम पहले अपलोड किया था, उसका नाम है क्लिम्बिंग ऑन माउंटेन। आप सर्च कर सकते हो अपने यूट्यूब पे, सर्च बार में जाके क्लिम्बिंग ऑन माउंटेन आगे सनम व्लॉग्स लिखना, ये लिख के सर्च करना, वहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपको मेरा व्लॉग आ जाएगा, वो चीज़ देखना। और इतना समझ लो कि आज का ये जो व्लॉग है वो समझ लो उसका मैं दूसरा पार्ट ये जो शूट कर रहा हूँ। तो उस व्लॉग में आप देखना, मैं लास्ट पे उसमें बड़ी कोशिश थी मेरी कि वापसी आते टाइम पहाड़ से मैं ये जो टनल निकाला हुआ है यहाँ पे पूरा अंदर से जाता है, जिसके अंदर से नहर जाती है पूरी, आगे सेड़ी से निकलती है, वहाँ पे डैम बनाया हुआ है और वहाँ पे जो पावर प्रोजेक्ट है जो पूरा एस्टेब्लिश्ड है, तो वो चीज़ मैं दिखाना चाहता था लेकिन उस व्लॉग में दिखा नहीं पाया क्योंकि एक तो अंधेरा हो गया था, ऊपर से व्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। वो आप व्लॉग देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। तो आज मैं वहीं पर आया हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मुझे काम था, उस वजह से मैं आया था। मैंने सोचा चलो बार बार यहाँ पर आने का मौका नहीं मिलता, तो आज चलते हैं यहाँ से, ये व्लॉग भी बना के आप सबको दिखा देते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ यहाँ पे जो दरिया वगैरह, जो रोड है यहाँ पे बनाई, जो ब्रिज बनाया हुआ है, तो उस साइड जहाँ पे टनल बनाया हुआ है वो चीज़ मैं आपको पहले दिखाता हूँ। तो अब पहले वो चीज़ देखिए। तो गाइज यार ये देखिए पीछे पूरा ये मंडी वाला एरिया, इस साइड लोरन सब्जियाँ, इस साइड सब्जियाँ आ गया, इस साइड लोरन आ गया, तो ये पूरा इस साइड फतेहपुर वाला एरिया है। तो ये आता है, ये मंडी वाला दरिया इसको बोलते हैं, ये आता है और सामने आप कपड़े वगैरह सुखाने के लिए रखे हुए हैं। यार यहाँ की लोगों की जो मतलब लाइफ स्टाइल है वो ऐसा है कि मतलब जो इनको पानी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब पानी बहुत ज़्यादा एक्सेस में आता है ना तो उस टाइम इधर लोगों के घरों में भी घुस जाता है। जैसे 2014 में जो फ्लड आया था उस टाइम भी ये चीज़ हुई थी कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, लोगों के घर पूरे के पूरे बह गए थे। तो ये यहाँ पे इनको जब कपड़े वगैरह धोने होते हैं यहाँ पे आराम से आके दरिया पे धो के यहीं पर सुखा के यहीं से लेके जाते हैं। और ये रही सामने चक्की, यहाँ पे आटा वगैरह जो मक्की का पीसने के लिए लोग लेके आते हैं, जैसे कि अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में बोली जाए तो इसको राठ बोलते हैं। तो इस साइड आ गया भाई साहब, ये यहाँ पे जो रोड दी हुई है यहाँ पे सामने से आती है और ये ब्रिज है, उसी व्लॉग में आपको दिखेगा, ऊपर से मैंने पूरा जाके आपको नज़ारा दिखाया है। तो ये सामने से ये रोड उस साइड भी जाती है, उधर नीचे पूरी सीढ़ी तक यहाँ से कनेक्ट की हुई है, ये आगे इधर अंदर घरों के लिए, और यहाँ से जाती है सीधी ये वाली रोड, ये सीधी जाती है केनू वाले एरिए में, इस साइड वाले एरिए में जाती है जो ये वाला एरिया आपको दिख रहा है। तो यहाँ से आपको चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ वहाँ से कटिंग करके, एक डैम वहाँ पर बनाया हुआ है, वहाँ से पानी रोक के पूरा ये जो आपको दिख रही है यहाँ से, ये यहाँ से नहर आती है पूरी, यहाँ से अंदर टनल है और इसके बाद सीधा जाके वहाँ से उस साइड से बाहर निकलता है। तो दोस्तों टनल के पास जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि ये जो चक्की है ये आपको दिखा दूँ, क्योंकि मैंने माइंड में अपने सोचा कि हर कोई इसके अंदर गया नहीं है ना इतनी नज़दीक से देखी है, तो मैंने सोचा चलो ये चीज़ दिखाता चलता हूँ फिर चलते हैं टनल पे। तो पहले आप बैक कैमरे से ये चीज़ देख लो कितनी खूबसूरत चीज़ होती है, उसके बाद हम चलते हैं टनल वाली साइड। तो यार ये रही चक्की, कुछ ऐसा इसका नज़ारा होता है कि मतलब इतना समझ लो कि ये जो एरिया, ये जो आप देख रहे हो मेरी फिंगर के पास, यहाँ से पानी अंदर आता है, एंटर होता है इसके नीचे से, तो इसके नीचे से पास आउट होके यहाँ से ये देखो ये बाहर आ रहा है, ये जा रहा है भाई साहब। ये होती है गांव की खूबसूरती, मुझे इस चीज़ की वजह से जो गांव में ज़्यादा मन लगता है। और ये देखो यार आप अंदर देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखो यार ये अंदर पूरा मतलब एकदम प्रेशर से पानी भेजता है और जो चक्की होती है फिर इस प्रेशर की वजह से जो ये घूमती है गोल गोल। तो यहाँ से ये कुछ दिखने में ऐसा है, यहाँ से आपको थोड़ा मैं अंदर से दिखा देता हूँ यार किस तरह का ये दिखता है। ये रही, अस्सलाम वालेकुम, देखो ये इनकी दुकान भी है यहाँ पे, चलते हैं यार अंदर आपको दिखा देता हूँ एकदम। देखिए यार डस्ट की तरह यार ये पूरा उड़ रहा है। ये रहा लोगों का जो आटा वगैरह कुछ पीस के रखा हुआ है, बाकी कुछ ये पीसने के लिए रखा हुआ है। तो ये रहा भाई साहब ऐसी होती है दिखने में चक्की। तो ये रही यार थोड़ा सा मैं सोच रहा था क्लोजअप शॉट आपको दिखा देता हूँ, ये आपको गिरती हुई दिख रही होगी ये सामने से, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ मैं। ये देखो यार ये होती है गांव की खूबसूरती जो मुझे लिटरली यार बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस वजह से मैं गांव में रहने के लिए ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सिटी में ये सब नेचुरली जो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें मतलब जैसे आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें हमें सिटी में देखने को बहुत कम मिलती हैं। कहीं ऐसा होगा कि सिटी से थोड़ा साइड पे दिखेगी तो वहाँ पे दिखती हैं, बाकी बिल्कुल भी नहीं दिखती। लेकिन यार एक खूबसूरत चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है ये। वाह यार मुझे बहुत शौक है बिल्ली रखने का, लेकिन मेरे घर वाले मुझे अलाउ नहीं करते, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। अरे वाह, अरे
भाई साहब क्या यार। हेलो हाथ मिलाओ। ओ भाई साहब ये क्या देख रहा हूँ मैं। अरे यार हाथ मिलाओ। हेलो करो, हेलो करो। अरे वाह क्या बात है यार, समझने वाली होनी चाहिए बस। वाह यार कितनी औसम है। अरे नहीं 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 खाना नहीं यार, अब आपको देखेंगे सारे व्यूवर्स यूट्यूब पे। ठीक है। अरे क्या बात है यार, ये यहाँ से अब मुझे जाने का मन नहीं करेगा क्योंकि मुझे बिल्लियाँ बड़ी पसंद है, लेकिन चलो इंशाल्लाह कभी इन फ्यूचर रखेंगे हम भी। अरे वाह एक और है यार यहाँ पे। ये मतलब कट्ठी तनू यार, पूरा मूड मेरा स्विंग हो गया इस चीज़ को देख के। मैं हटने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे जा नहीं पा रहा क्योंकि मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है। वाह यार चलो यार इनको बोलते हैं गुड बाय। बाय 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 बाय, हैंडशेक करो। अरे वाह इतना गुस्सा। ओए ओए गुस्सा भी कर लो। ठीक है चलते हैं बाय बाय। वाह अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। चलो एनीवे गाइस यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि बाद में अंधेरा भी पड़ सकता है, तो अब यहाँ से निकलते हैं। तो ये रही खूबसूरती। ठीक है खुदा हाफिज़ अंकल जी। ये है यार गांव की खूबसूरती जिसकी वजह से मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ कि गांव में ही रहे बंदा। पूरे सिटी में ऐसी चीज़ें ये नेचुरल जो चीज़ें होती हैं ये देखने को नहीं मिलती हैं। अब चलते हैं यार यहाँ से निकलते हैं। ये जो आपको मैंने चक्की वाली जगह दिखाई थी उसके अंदर से जो पानी आता था वो ये यहाँ से जाता है भाई साहब। मैं आपको बैक कैमरे से अच्छे से दिखाता हूँ कहाँ से आता है और कहाँ से जाता है ये। तो दोस्तों ये आ रही है वो नहर, यहाँ से आती है अंदर रोड के नीचे से पूरी क्रॉस होके, फिर यहाँ से ये सामने से जा रही है पूरी, ये आप देख पा रहे होंगे। वहाँ से आगे से पूरी क्रॉस होके नीचे सीधा चक्की से बाहर निकल के आगे दरिया में मिल जाती है। तो अब चलते हैं यहाँ से भाई साहब। ये है रास्ता, इस साइड से भी एक रास्ता जाता है ऊपर, लेकिन मैं यहाँ से शॉर्टकट पकड़ना चाहता हूँ ताकि यहाँ से सीधा ऊपर जाएँ। ऊपर पूरा यहाँ से ये जो आप जगह देख रहे हो कटाई की हुई है लास्ट यहाँ पे, इसके नीचे से ही टनल अंदर जाता है। तो अब चलते हैं, पहले आपको चल के दिखाते हैं। गाइस यार आधा रास्ता मैं तय करके आ चुका हूँ, मतलब थोड़ा आधे से कम ही है। तो अब ये पीछे यहाँ से मुझे चढ़ के जाना है यहाँ से पूरा ऊपर, ये चीज़ क्रॉस करके तो ऊपर जाएंगे। लेकिन सांस चढ़ गई यार थोड़ी, थोड़ा आप रुकते हैं यहाँ पे क्योंकि खड़ा रास्ता यार बिल्कुल ऐसे बिल्कुल खड़ा स्ट्रेट ऊपर, तो आप देख ही सकते हो पीछे पूरा कितना कितनी खड़ी जगह है ये। लेकिन चढ़ते हैं यार फिर भी, ऊपर तो पहुंचना ही है। ये देखिए यार यहाँ से मैं आया था, ये पूरा यहाँ से चढ़ के ऊपर इधर से यहाँ से यहाँ पहुँचा हूँ अभी, ये देखो। और यहाँ से आप चढ़ेंगे ऊपर वापस, यहाँ से चढ़ के जाना है बिल्कुल वहाँ। थोड़ा सा भी पाँव स्लिप हुआ ना फिर इधर मैं नहीं अटकूंगा, ना इधर अटकूंगा, फिर सीधा जाके उधर अटकूंगा मैं। लेकिन चलो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, ये देखो यार निशान वगैरह भी यहाँ पे जूतों के लगे हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल हम अपना काम जारी रखते हैं। वाह यार बहुत ही कठिन है, सांस फूल दी है यार, बिल्कुल खड़ी है ये जो चढ़ाई करनी पड़ रही है इस टाइम। लेकिन यहाँ से नीचे थोड़ा खूबसूरत लग रहा है देख के। यहाँ से नीचे देखिए यार, उधर से मैं आया था इस रोड से। लेकिन चलो अपना सफ़र अभी भी जारी है, जस्ट कैरी ऑन है। लेकिन यार एक चीज़ का मैंने अंदाज़ा लगाया जब पिछली बार आज से लगभग कोई 2 साल पहले मैं इस रास्ते से आया था, तब लॉकडाउन था, तब मैंने व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट नहीं करी थी उस टाइम आया था, तो ये रास्ता थोड़ा ज़्यादा ख़राब था, मतलब एकदम ऐसे ज़िगज़ैग करके थी पूरी, बहुत मुश्किल। यहाँ से थोड़ा स्लिप होने वाली जगह, लेकिन थोड़ी हमें यहाँ पे सावधानी बरतनी होगी। वाह यार ये देखिए यार कितना खतरनाक एरिया है यार, यहाँ से अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर मैं यहाँ से स्लिप हो गया तो कहाँ जाऊँगा ये आप देख ही सकते हो। माय गॉड यार एकदम खड़ी चट्टान है यार पूरी, नीचे चट्टान ही बोल सकते हैं, मतलब रास्ता है लेकिन एक चट्टान की तरह ही बन गया है बिल्कुल खड़ा नीचे। अब थोड़ा ही रहा बिल्कुल यहाँ जाना है हमको। हम पहुँच चुके हैं पूरा ऊपर टनल वाली जगह पे, आप देख रहे हो यार यहाँ से। एक बार फिर से आपको मैं नीचे दिखाता हूँ कि हाउ इज़ द व्यू। ये देखिए यार बिल्कुल बिल्कुल खड़ी जगह है बिल्कुल नीचे,
यार थोड़ी सी रेस्ट कर लेता हूँ, थक गया यार, सांस फूली हुई है। बैठते हैं यहाँ पे, थोड़ी सी रेस्ट करते हैं। तो गाइस यार मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ कि नहर एक्चुअल में ये जो आती कहाँ से है, ये सामने रहा। यहाँ से आप अपनी अगर नेक्ट आई से देख सकते तो फिर आपको ज़्यादा बेटर दिखता, थोड़ा ब्लर सा दिखता, लेकिन अब आपको मैं दिखाता हूँ पूरा। यहाँ से ये स्टार्ट होती है, यहाँ से कटिंग की हुई है पूरी रोड की, ये यहाँ से लाई हुई है नहर पूरी, और यहाँ से पूरी अंदर इधर से जाती है। यहाँ पे एक बार गाड़ी भी यार एक्सीडेंट हुई थी जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो चालू थी इस टाइम रोड की, यहाँ पे जो कटिंग की, तो उस टाइम आगे वाली साइड से एक टिप्पर था वो गया था पूरा नीचे, तो अनफॉर्चुनेटली जो ड्राइवर था ही डाइड। तो यहाँ पे बड़े बंदों की मौत हुई है यार इस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करने में, जैसा मैंने सुना हुआ है। तो ये रही भाई साहब नहर जो अंदर जाती है, ये पानी पूरा रोका हुआ है। देखो यार कितना यहाँ से हाइट दी हुई है ऊपर, जब ये बहुत ज़्यादा एक्सेस में पानी आता है तब देख लो यार, यहाँ तक तो निशान दिख रहा है लेकिन उसके ऊपर पूरी अलगई यहाँ तक लगी हुई है। ये है भाई साहब इतना ज़्यादा पानी पूरा भर के अंदर जाता है, तो आपको सामने दिख रही होगी पूरी की पूरी सुरंग जो टनल है यहाँ पे अंदर। जब इसका काम चालू था तब मैं एक बार आया था, लेकिन तब यार यहाँ पे इतना ज़्यादा अंदर जाने नहीं देते, लेकिन तब मैंने इस जगह पे जाके देखा था अंदर पूरा, मशीनें वगैरह लगी हुई थी कटाई कर रही थी। तो ये कुछ इसका नज़ारा यार यहाँ पे अंदर आप देख सकते हो थोड़ा, लेकिन दिख नहीं रहा, अंधेरा बिल्कुल अंदर। तो ये यार जगह है, आपको चल के अच्छे से दिखाता हूँ। ये आ गई यहाँ पे पूरे की पूरी नहर, और ये देखिए यार ये पूरे के पूरे पिलर बना के यहाँ पे बिछाए हुए हैं, ऊपर इसको कवर किया हुआ है ताकि कोई अंदर ना गिर जाए, और यहाँ पे ये पूरा केज लगा के यहाँ पे पूरा कवर किया हुआ है। देखिए यार आवाज़ें कैसे आ रही हैं, शायद आप सुन पा रहे होंगे, यानी बहुत तेज़ बहाव है यार इसका, बहुत प्रेशर से पानी चलता है। तो कई बार यहाँ पे मैंने सुना है कि एक दो बार यहाँ पे जो बकरियाँ थी वो भी यहाँ पे घिरी थी और पता नहीं फंस गई थी। ये है यार आपको एक बार फिर से इस चीज़ का मैं नज़ारा दिखाता हूँ, ये देखिए यार वाह, सोचो यार कितना टाइम लगा होगा अंदर यहाँ से पूरा काट के ले जाना, फिर उस साइड कितना लंबा है यार, मे बी 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगी ये जगह, इतना लंबा है। और आगे जाके निकल रहा है उस साइड भी एक डैम है बड़ा सारा, पहाड़ पे है वहाँ से नीचे जाता है पूरा, उसके नीचे जो पावर प्रोजेक्ट है वहाँ पे इस्टेब्लिश है। लेकिन जो पिछले वाला व्लॉग मैंने जो आपको दिखाया स्टार्टिंग में बताया कि आप सर्च करो उसमें देखो, वो इसी ये जो पहाड़ है पीछे, इस पहाड़ के पीछे वाली साइड से मैं उधर से उतर के सीधा नीचे आया था। मैं चाहता था कि इस एरिया से आके यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाऊं, लेकिन टाइम बहुत कम था, अंधेरा होने वाला था, फिर फ़ायदा नहीं था, मैंने सोचा अच्छे से देख नहीं पाओगे। लेकिन आज यार धूप है, आज मौसम एकदम सुहाना है यार, ये चीज़ देख के मतलब ऐसा लगता है कि उस सॉन्ग की याद आती है जैसे, आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा, ये चीज़ आप ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि आप डर जाओगे सर। ये है भाई साहब यहाँ की खूबसूरती, ये मंडी की रोड है पार, ये मंडी की गाड़ियाँ जा रही हैं, वहाँ से एक और मंडी की गाड़ी आ रही है यहाँ से भी। तो अब चलते हैं वापस नीचे, ये चीज़ मैं दिखाने के लिए यहाँ पे आया, मैंने सोचा चलो अब आया हूँ तो ये चीज़ आपको दिखा के चलूँ, क्योंकि उस ब्लॉग में मैं ये चीज़ कर नहीं पाया, इनकम्प्लीट रह गई थी। मैंने सोचा चलो क्यों ना आज आए हैं तो इस चीज़ को कंप्लीट कर ही देते हैं। यहाँ से अब नीचे उतरना मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक चैलेंज बन गया यार मेरे हिसाब से, क्योंकि ऊपर तो बंदा यार चल के आ जाता है, मतलब क्लिम्बिंग कर लेता है, चढ़ जाता है ऊपर पहाड़ पे आराम से, लेकिन जब ऐसी जगहों पे नीचे उतरना पड़ता है ना यार, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है इंसान के लिए। अरे भाई साहब नज़ारा तो यार बिल्कुल मज़े वाला है, लेकिन यार यहाँ से अब नीचे उतरना मुझे थोड़ा लग रहा है कि मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे से। चलो यार ऑलमोस्ट नीचे पहुंच ही चुका हूं, थोड़ा ही रहा अब, यहां से थोड़ा जल्दी निकलता हूं क्योंकि ये रास्ता यहां से थोड़ा ठीक है। ओह फाइनली गाइस सेफली लैंडिंग, नीचे पहुंच चुका हूं, आप देख सकते हो पीछे कितनी बड़ी खड़ी चट्टान में गुजर के नीचे आया हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लैंडिंग जो है सेफ है एकदम, निकलते हैं अब यार। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा गांव की चीज़ें ये पसंद है, वो भी ऐसी जगहों पे, जो पीछे आप ये नहर देख रहे हो ना यार, ये चीज़ मतलब यहाँ पे बैठ के बंदा, मौसम ऐसा हो ना यार थोड़ी थोड़ी धूप हो और यहाँ पे बंदा बैठा हो आराम से। अब निकलते हैं यार, लेट भी हो रहे हैं, शाम भी हो रही है, तो आगे चल के आपसे बात करते हैं और वहीं पे इस व्लॉग को करते हैं कंक्लूड। तो ये रहे हमारे रियाजी लाला, किसी से फ़ोन पे मसरूफ़ हैं, बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम,
ठीक हो, खैरियत से? ठीक, और खैरियत से? ठीक। तो ये रहे भाई साहब, बहुत ही अच्छे इंसान है, आई लाइक हिम। चलते हैं अब यार, इस व्लॉग को करते हैं खत्म। तो गाइज यार, ये था आज का व्लॉग जो मैंने आपको दिखाया। जैसे मैंने आपको चक्की दिखाई, उसके बाद बिल्ली वगैरह दिखाई, सडनली वो आ गई थी, तो उसके बाद मैंने आपको ये टनल वगैरह दिखाया। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि गांव की चीज़ें ऑब्वियसली यार, हर कोई इस चीज़ को पसंद करता है। सिटी के लोग तो ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं कि यार गांव में जाएं, वहाँ पे घूमें, नेचर जो हवा है वो बंदा मतलब वहाँ पे जाके बैठे उसमें, और जो गांव की चीज़ें होती हैं, जैसे हम रियल में खेतीबाड़ी करके जैसे सब्जियाँ उगाते हैं, वो चीज़ें यार, उस चीज़ को मैं तो मोस्टली वो चीज़ें लाइक करता हूँ। ये था आज का व्लॉग जो मैंने आपको दिखाया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। शेयर भी करना, लाइक भी करना, और कमेंट भी करके बताना कि कैसा लगा भाई साहब, जो चीज़ें बीच में देखना और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मेरे साथ कमेंट में, कि आपने कहाँ कहाँ ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। जैसे मैंने आपको चक्की दिखाई या फिर ऐसे टनल वगैरह ऐसा कुछ दिखाया, तो ये चीज़ें आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट में, शेयर करना मेरे साथ। तो आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं अब एक नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए यार, जो मेरे नए व्यूवर्स हो, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ को भी शेयर करें। तो मिलते हैं अब एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।